जय श्री राम। दोस्तों यहाँ पे अभी अपने खेतों में मैं वीडियो शूट करने आया था, लेकिन आपको एक चीज मैं बताऊं, P=J। अब P=J का मतलब क्या होता है आपको पता नहीं होगा ना। परेशानी =जीत होती है। जीत कैसे, अभी आपको समझाऊंगा मैं इस वीडियो में। यहाँ पे जब मैं आया ना तो बारिश होने लगी। अब बारिश होने लगी तो मेरे पास छाता तो था नहीं। वीडियो मैं सोच के आया था कि यहाँ पे शूट करूंगा, है ना। अब बारिश होने लगी तो मैं कहाँ रुकूं। अब जितने सारे यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, मैं सारे पेड़ के नीचे रुका। अब यार तेज ना हो जाए बारिश, वो भगवान का शुक्रिया करता हूँ मैं कि बारिश तेज नहीं हुई। उसके बाद मैंने यहीं पे खड़े होकर वीडियो शूट कर लिया। अब P=J क्या है? P=J ये है कि देखिए, आप जब कभी भी जीवन में किसी भी परेशानी में पड़ते हैं ना, तो उसके बाद आपकी होती है जीत। आपको ये चीज समझनी होगी। कैसे कैसे, अगर आपको कभी भी अपने जीवन में परेशानी आ रही है, कोई भी परेशानी, तो आप सोच लेते हो कि अरे यार भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं अच्छे से अब कैसे काम करूंगा, क्योंकि जैसा मैं सोच रहा था वैसा मेरे साथ हुआ ही नहीं। अब मैं जैसा मैं प्लान करके आया था यहाँ पे वीडियो शूट करूंगा, वैसा मेरे साथ हुआ ही नहीं, क्योंकि यार अब बारिश होने लगी तो मैं क्या करूं। तो उसके बाद मैंने दिमाग लगाया कि अब मैं कैसे यहाँ पे खड़े खड़े वीडियो शूट कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे को अपना कैमरा गियर भी बचाना है, है ना। क्योंकि अगर कैमरा गियर भीग जाएगा तो मैं वीडियोस कैसे बनाऊंगा, और मैं मेरे को खुद को भी गीला होने से बचाना है, नहीं तो मैं अगर भीग जाऊंगा तो बारिश में फिर हो सकता है मेरी तबीयत भी खराब हो जाए। तो ऐसे में यहाँ पे खड़े खड़े मैंने दिमाग लगाया कि यार मैं कैसे वीडियो शूट करूं, क्योंकि वीडियोस तो शूट करनी थी। क्योंकि अगर मैं देखिए, मैं अच्छा वाला अपने ऑफिस में बैठ के वीडियो शूट कर सकता हूँ, आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत मेरे को भी अच्छा लगता है। और आप ये जो शॉर्ट है ना, इस वीडियो में आपने जितने भी शॉर्ट्स देखे अभी शुरू से लेके अभी तक, वीडियो जितने भी 2 मिनट की हुई है, तो ये शॉर्ट मैंने कैसे ईजाद किया, ये चीज मेरे को यहाँ पे खड़े खड़े दिमाग में आई कि यार ये चीज भी तो मैं कर सकता हूँ। ये चीज फिर मैंने किया, अभी वीडियो शूट किया मैंने, और अभी ये मैं सेकेंड वीडियो शूट कर रहा हूँ। उस जो वीडियो का प्लान था वो मैंने कर लिया शूट। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कभी भी आपको जीवन में समस्या आए, जब कभी भी आपके जीवन में परेशानी आए, तो आपको ना हर चीज से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, बस आप सीखना चाहें तब। अब देखिए, ये शॉट मैं कितने दिन से यहाँ पे आता था, लेकिन ये शॉट लेता नहीं था, ऐसा ही आता था, खड़े खड़े चला जाता था। लेकिन अभी देखिए, ये सारी चीजें मेरे को सीखने मिली ना, परेशानी आई ना मेरे जीवन में, तो उसके बाद जीत मिली ना, P=J। आपको वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, आप थोड़ा सा ना बैठ के सोचिए, दिमाग लगाइए कि कैसे हम अपनी वीडियोस पे व्यूज ला सकते हैं, कहाँ क्या गलती हो रही है यार। और देखिए, इस चैनल पे ना मैंने आपको केवल ये नहीं बताया कि आप अपना YouTube चैनल कैसे ग्रो कर सकते हैं, इस चैनल पे मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो परेशानी जीवन में तो देखो तय है, अगर जो कोई भी जिंदा है ना, जिंदा लोगों को ही परेशानी आती है ना। अगर आप मर गए हो तो आपको परेशानी नहीं आएगी। आपने किसी, बताइए, किसी ऐसे व्यक्ति को देखे हो कि जो कोई मर गया हो और उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, सांस की प्रॉब्लम, कहीं पेट में दर्द, कहीं पैर में दर्द या कुछ और? नहीं, मरे हुए व्यक्ति को कभी भी कोई समस्या नहीं रहती है। जो जिंदा है ना, समस्याएं उसी के पलड़े में आती हैं और उसी के जीवन में आती हैं। तो अगर आपको समस्याएं आ रही हैं तो आप सोचो कि मैं जिंदा हूं और अच्छे से काम करो यार, लग के काम करो। जब कभी भी कोई समस्या है तो आप उसमें अच्छाई देखो, इसमें क्या अच्छा हो सकता है, मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंज मेरे जीवन में आया है तो ये चैलेंज से पक्का मुझको कुछ ना कुछ सीखने तो मिलेगा। अब आप देखिए, यहाँ पे बैठ के मैं ये शॉर्ट लेके भी बात किया हूँ वीडियोज़ में, अभी हो सकता है 1-2 दिन में या जब कभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जैसे जैसे एडिट होगी वैसे वैसे वीडियो आ जाएगी। ये शॉर्ट आप बताइए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन आज तक मैंने किया नहीं था। अब ये समस्या मेरे साथ आती नहीं तो मैं ये चीज करता नहीं, पानी गिरता नहीं तो मैं ये चीज करता नहीं, भाई मैं डेली वीडियो यहाँ पे आता हूँ, डेली चल के वीडियो बना देता आपको, मतलब क्या होता हूँ मैं। अब पता नहीं आपको ये लग रहा होगा कि यार चल तो भे फिलोसफी झाड़ रहा है, फालतू की बात कर रहा है, फालतू की बात नहीं है। हो सकता है आप में से किसी ना किसी को ये वीडियो देख के ऐसा शॉर्ट अच्छा लगता हो, किसी किसी को नहीं लगता हो, क्योंकि अलग अलग टेस्ट है सबका। अब मैं यहाँ पे कितनी बार आया हूँ आप बताइए, लेकिन ऐसा शॉर्ट आपको कभी देखने मिला है? कभी भी देखने नहीं मिला है, और मिलता भी नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अगर मेरे पास ये समस्या ही नहीं आती तो मिलता ही नहीं। तो ये वीडियो मैंने आपको एक मोटिवेशन के तौर पे बना दिया कि यार थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए, अच्छे से काम करिए, सब्सक्राइबर और ये सब व्यूज डेली अगर आप काम करेंगे ना, डेली सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे यार, आपको सिर्फ काम करना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि क्रिएटर स्टूडियो ऐप खोल के, अरे ऐसी ऐसी वीडियो मैं देखता हूँ,
बड़े बड़े क्रिएटर्स 50-50 हज़ार हैं, 1-1 लाख हैं, कितना गंदा झूठ बोलते हैं आपसे वो कि क्या बताऊं मैं, ऐसे टैक्स लगा लो यहाँ से, 24 घंटे बाद ये कर लो। यार मैं भी आपको बता सकता हूँ, सच में मेरी ग्रोथ नहीं है चैनल की, कभी कभी लगता है मैं कर दूँ, कर भी दूंगा हो सकता है, लेकिन क्या बताऊँ। ठीक है जी, आई होप कि जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप उस पॉइंट को समझे होगे। अगर आप YouTube पे ग्रो होना चाहते हैं ना, आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं ना, अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल की आप वीडियोस देखिए, क्योंकि जो बातें मैं कर रहा हूँ ना पूरे YouTube पे ऐसा बात कोई नहीं कर रहा है यार, केवल लोग आपको भटका रहे हैं। आप एक बार मैं नहीं बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए या फिर मेरी सारी वीडियोस देखिए, नहीं, एक बार इस चैनल की जितनी वीडियोस हैं ना वो सिर्फ आप देख लीजिए, वो सिर्फ देख लीजिए, उसके बाद आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरी वीडियो भी दोबारा नहीं आओगे देखने। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि YouTube कैसे वर्क करता है, हमको YouTube पे कैसे काम करना है ताकि हमारा चैनल ग्रो हो जाए। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ना दबा के माल पड़ा है बॉस, ऐसा माल आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। श्री सीताराम। कहाँ भागे जा रहे हो लड़कों, कहाँ भागे जा रहे हो, आज आपको लड़कियों को देना है गिफ्ट, हैप्पी रक्षाबंधन मेरी ओर से मेरी सारी बहनों को और सारे भाइयों को। सारे भाई जरा अपनी जेब को ढीली करना और अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करना, है ना, अपनी जेब को ढीली करो और बहनों के हाथ को गीली करो। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को, और जितने भी लड़के देख रहे हैं ना इस वीडियो को, यार बहुत मेहनत करो ताकि आप अपनी बहनों को ना बहुत दे सको, बहुत दे सको। देखो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, कोई भी लड़का, आगे फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, कोई भी एक लड़का आगे चल के आप भी मामा बनोगे, अगर अपने भांजे को, मामा के लड़के मामा भांजा ही बोलेगा ना, भांजा या भतीजा जो भी लगता हो उसको, अगर आप जितना ज़्यादा देते हो ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और आप अपनी बहन को भी जितना ज़्यादा देते हो, जितना ज़्यादा दोगे ना उतनी आपकी बढ़ती होगी जीवन में। तो उस काबिल तो बनो, उस काबिल आपको बनना ही पड़ेगा कि आप अपनी बहन को और आप अपनी बहन के बच्चों को दे सको। और ये कब दे पाओगे? जब YouTube पे काम करके आप ग्रो हो जाओगे तब। तो अच्छे से काम करो, दिल लगा के काम करो यार, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत आगे तक जाओगे अगर सट के काम किए आपने तो, यकीन मानो। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से एंजॉय कीजिए, आप भी लड़ते रहिए, मुक्का मारते रहिए अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, और एंजॉय कीजिए इस लाइफ को। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू।